तो क्या गाइस, देखो मैंने डुओ रैंक पोस्ट स्टार्ट कर दिया है और भाई मैंने कल एक पोल डाला था कि सोलो या डुओ, तो भाई बहुत से बंदों ने कहा डुओ रैंक पोस्ट स्टार्ट करो, तो भाई मैंने कहा चलो हम स्टार्ट करते हैं डुओ रैंक पोस्ट। और भाई मैं अभी हूँ गोल्ड 2 पे, लेकिन जो मेरा टीममेट मेरे साथ खेल रहा है वो है डायमंड 4 पे। तो लॉबी बहुत ही खतरनाक लग रही है और हैकर्स भी मिल रहे हैं। लगातार 3 मैचेस में मेरे को हैकर मिले, तो मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं गोल्ड पे हूँ और मेरे को हैकर मिल रहे हैं, तो आगे बहुत लंबा मेरे को सफ़र तय करना है उसके लिए, तो भाई मेरे तो एल लग जाएंगे। तो भाई मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी मिल रहे हैं, आगे नहीं मिलेंगे। और इस वाले गेम प्ले में आप देखोगे कि हैकर कोई भी नहीं था, तो भाई कितना अच्छा गेम गया, मज़ा आ गया खेल के। तो यहाँ पर पोचंकी और ड्रॉप हम लोगों ने लिया, क्योंकि हैकर से हम लोग परेशान हो चुके थे, तो हमने कहा चलो अब हैकर आ ही रहे हैं तो भाई पोचंकी चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोगों के साथ ही एक डुओ उतर जाता है, तो भाई मेरे को पता था कि ये बंदा यहाँ से ज़रूर आएगा लूटने के लिए, और उसको मैंने डैमेज दिया, लेकिन वो भाई कवर में चला गया और भाई वो बंदा पीछे की तरफ भाग जाता है। तो हमने कहा चलो कोई देरी नहीं करते, तुरंत ही उस पर रश करते हैं, जिससे कि पहले उनको सब कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरे पास एक UMP है, UMP से हम काम चला सकते हैं, लेकिन आगे देखो क्या होता है सीन। तो यहाँ पर मेरे को सामने विंडो पे एक बंदा स्पॉट हुआ, लेकिन वो पहुँच जाता है कवर में। तो भाई इस बिल्डिंग में एक बंदा था जो कि पहुंच जाता है अपने टीममेट के पास, तो भाई अब वो पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि वो एक साथ हैं, तो भाई अगर हम घुसते हैं डायरेक्ट तो हमको पेल दिया जाएगा। तो मैंने पहले लगाया बूस्टर, क्योंकि देखो मेरे पास वेस्ट भी नहीं है तो दिक्कत हो सकती है मेरे लिए, तभी मेरा टीममेट नॉक कर देता है एक ग्रेनेड से। तो भाई हमने कहा अब क्या देरी है भाई, घुस लो जल्दी से, पेल देते हैं इनको भी, लेकिन वहाँ पर क्या सीन होता है वो चीज़ तुम जरूर देखना। तो यहाँ पर स्मोक था, फ्री फायर देते हुए घुसा मैं, कुछ नहीं हुआ और उसका उजी मेरे को पड़ जाता है, तो भाई अब मैं यहाँ पर नॉक हो गया था और रिवाइव मेरे को मिल जाता है जी, क्योंकि मेरे टीममेट ने मेरे को कवर अच्छा खासा दिया था। तो भाई उस टीम को मारने के बाद आते हैं हम लोग इधर की साइड, तो यहाँ से आता है हम लोगों को गन साउंड, तो हम लोग सीधा घुस रहे थे और यहाँ पर दो टीमें आपस में लड़ रही थी, तो हमने कहा चलो भाई इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक टीम दूसरी टीम को मार देती है और मैं फ्री फायर देते हुए घुस रहा हूँ, क्योंकि बंदा कहीं भी हो सकता है, लेकिन बंदा होता है पीछे की साइड। तो भाई स्क्वाड हाउस में अकेला बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसका टीममेट भी पहुंच जाता है जब तक मैं उस साइड पहुंचता हूं। तो भाई मैंने कहा इसको मारेंगे, और मैंने सोचा था कि ये ऊपर की साइड जरूर जाएगा, और भाई मैं वही कर रहा था, मैंने प्री फायर दिया, लेकिन वो बंदा नीचे ही कैंप कर रहा है। और यहाँ पर मैंने बहुत बार देखा है, आपको आगे देखने को मिलेगा कि बंदे नीचे वाले फ्लोर पर कैंपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा टीममेट घुस जाता है, तो भाई मैंने कहा चलो भाई उसको कवर देते हैं, और भाई देखना सरप्राइज़। तो भाई ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी इस गेम प्ले में, क्योंकि यहाँ पर बंदे नीचे वाले फ्लोर पे कैंपिंग कर रहे हैं, आप घुसोगे आपको सरप्राइज़ मिलेगा, और मेरे को भी मिले हैं बहुत बार, वो चीज़ आगे आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई मेरा टीममेट मार्क करता है कि यहाँ पर बंदा है, तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं कौन बंदा है, लेकिन वो बंदा नहीं बॉट होता है, जिसको कि मैं यहाँ से किल कर देता हूँ। जैसे ही इस बॉट को किल किया, तो भाई राइट की साइड से आता हम लोगों को गन साउंड, तो हमने कहा चलो भाई स्क्वाड हाउस की साइड बंदे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लोजिंग किया, उन बंदों ने भी क्लोजिंग कर दिया, और बंदे आ जाते हैं मैजिक हाउस में। तो भाई मैं तुरंत ही घुसा, मेरे को बंदा स्पॉट हुआ, फायर किया, मैंने सोचा ये बंदा ऊपर की साइड गया होगा, और मैं तुरंत ही उस घर में डायरेक्ट घुस रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या सरप्राइज मिलता है, मैंने सोचा बंदा ऊपर है, लेकिन बंदे ने एक सेकंड के लिए मेरे को डरा दिया था, और भाई मतलब मैंने सोचा अभी नॉक हुआ और फिनिश भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा टीममेट थोड़ी दूरी पर है मेरे से, और एक बंदा होता है यहाँ पर उसका। तो भाई देखो इसको कैसे घुस के पेला, पहले मैं प्री फायर देते हुए घुसा, लेकिन बंदा होता है पैनिक रूम में, तो मैं डायरेक्ट घुस भी नहीं सकता क्योंकि मेरा HP लो है। तो यहाँ पर मैं हील लगा रहा था, तभी बंदे ने नेड किया, तो मैं पीछे आया और मैंने कहा सबसे पहले हेल्थ लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं नॉक हुआ और गलती से मेरा टीममेट भी किल हो गया तो भाई यहाँ पे गेम ख़त्म। तो भाई मैंने कहा तू मौली कर उस साइड से, मैं इस साइड से घुसता हूँ, और भाई हम लोगों का प्लान सक्सेस हुआ, क्योंकि वो मौली से इधर की साइड भागा और हमने इसको यहाँ पर धर लिया। जैसे ही इस बंदे को किल किया, पीछे की साइड से आता है मेरे को गाड़ी का साउंड, और वो गाड़ी रुक जाता है स्क्वाड हाउस में। तो मैंने कहा अगर ये स्क्वाड हाउस में रुका है तो भाई ये तुरंत ही गेट के साइड से घुसेंगे। तो भाई मैंने गेट पे प्री फायर दिया और गेट टूट जाता है और बंदा होता है पीछे, जिससे उसको हेडशॉट और बॉडी शॉट लगा और वो हो जाता है नॉक, और यहाँ पर चल रहा था रिवाइव। रिवाइव तो हमने कहा रिवाइव नहीं दे पाओगे तुम, मैं आके तुमको पेल दूंगा, और ये बंदा मेरे को मार सकता था अगर वहाँ पे TPP लेता जहाँ से मैं इसको किल किया। तो इधर की साइड चला होता है फेलियर और मैं आ जाता हूँ, और मैंने मार्क लगाया कि राइट में दो घर हैं, वहाँ पर रुक के फाइट लेंगे, मेरे पास बोल्ट एक्शन है, वहाँ से आसानी से फाइट लेंगे हम लोग मौज से। लेकिन मेरा टीममेट क्या करता है कि यहाँ पर रोकता है गाड़ी। अब यहाँ पर मेरे टीममेट ने गाड़ी तो रोक दी थी, मेरे को शक था कि पीछे की साइड से गाड़ी जरूर आएगी, और जैसे ही उधर की साइड मुड़ा तो पीछे की साइड से आता है साउंड, और एक डासिया वहाँ पर आ चुकी थी। तो मैंने कहा नेड करते हैं, लेकिन मेरा टीममेट यहाँ से भागने को बोलता है, तो मैंने कहा चलो
और तभी ये बंदा मेरे को स्पॉट हुआ और इसको एक हेड और एक बॉडी पड़ा और ये हो जाता है नॉक। तो इस बंदे को भी एक हेड पड़ा है, मैंने प्रीफर दिया, लेकिन बंदा होता है कवर में तो भाई उसको नहीं पड़ा। मैं तुरंत ही घुसा उसके साइड क्योंकि वो बंदा लो है, हेल्थ लगाएगा या फिर रिवाइव देगा। और भाई इस वाली टीम को भी हमने आसानी से किल कर दिया। तो भाई अब बारी थी उन ड्रॉप वालों की, लेकिन वहाँ पे बंदा एक होता है या दो, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था क्योंकि जैसे ही मैंने स्कोप किया तो एक बंदा लूटने के लिए जा रहा था, उसको एक बॉडी शॉट पड़ा और अब वो बंदा फंस चुका है क्योंकि वहाँ से अगर वो निकला तो वो वहाँ पे किल हो जाएगा या फिर नॉक हो जाएगा क्योंकि उसका टीममेट एक और वहाँ पे होगा। तो यहाँ से बंदा स्मोक करता है और जैसे ही उसने स्मोक किया तो भाई मैंने कहा अब तो स्नाइपर नहीं ले सकते, अब रेड डॉट से ही काम चलाना पड़ेगा। उसको मैंने बहुत सारा डैमेज दिया, 50% मैंने डैमेज तो दिया ही होगा रेड डॉट से। और वो बंदे पता नहीं कहाँ चले गए, उनको हम ढूंढते ही रहे लेकिन वो बंदे मेरे को मिले ही नहीं दोबारा। तभी यहाँ पर हम लोग आते हैं ड्रॉप लूटने के लिए और ड्रॉप का धुआं ख़त्म हो चुका था तो मेरे को एक गाड़ी स्पॉट हुआ, वो भी ड्रॉप लूटने के लिए आया था। मैंने फायर किया उस पर लेकिन सारी गोलियाँ गाड़ी पर लग रही थी, बंदों को नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर बंदे को एक हेड शॉट लगा है, एक बॉडी शॉट लगा है, बंदा बहुत लो है और बंदे यहाँ पर आके रुक जाते हैं। तो हमने कहा लगाओ गाड़ी एक साइड में, लेते हैं इनसे फाइट। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक नेट पिन करता हूँ, मैंने सोचा इसी घर में होने चाहिए, लेकिन बंदे होते पीछे वाले घर में और ये चीज़ मेरे को बहुत देर तक नहीं थी पता। एक नेट तो मेरा वेस्ट हो गया, दूसरा मैं बालकनी में करता हूँ क्योंकि गेट खुला हुआ था। तो मैंने सोचा यहाँ इस गेट के पीछे टीपीपी ले रहा हो शायद, लेकिन वो बंदा वहाँ पे भी नहीं होता। मैं सोच रहा था कि ये बंदे पहले वाले हाउस में हैं लेकिन वो बंदे होते हैं सेकंड हाउस में, और ये चीज़ मेरे को बहुत देर तक नहीं पता थी क्योंकि वो बंदे फुट स्टेप्स नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर मेरा टीममेट नेट पे नेट किए जा रहा था और यहाँ से क्रॉस कर पाना बहुत ही दिक्कत है क्योंकि उस साइड अगर जाओगे तब तक बंदा डैमेज दे देगा या फिर नॉक भी हो सकते हो, दो बंदों का स्प्रे आएगा। तो मैंने कहा गाड़ी लेके हम जाएंगे, अब तो नहीं मार पाओगे तुम। तो यहाँ पर मैंने उठाई गाड़ी और तुरंत लगा देता हूँ उस वाले घर पर क्योंकि ये बंदा मेरा टीममेट यहाँ पर रहेगा और मैं इस साइड रहूँगा तो दोनों तरफ से एंगल मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने अपने टीममेट से कहा कि भाई आजा इस साइड, मैं तेरे को कवर दे रहा हूँ। मैं राइट वाले हाउस से कवर दे रहा था लेकिन बंदे होते हैं लेफ्ट वाले हाउस में, ये चीज़ मेरे को टीममेट ने बताई और भाई मैंने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया। तो भाई मैंने कहा अब देखो यहाँ से मैं नेट कर सकता हूँ इजी, और भाई मैं नेट कर रहा था ऊपर वाले फ्लोर पे लेकिन तभी मेरे को साउंड आया कि नीचे बंदा कूदा है। तो मैंने वहाँ पे एक रैंडम नेट किया तो वहाँ पे बंदा फूट जाता है। तो भाई मैंने अपने टीममेट से कहा भाई घुसो अब जल्दी से क्योंकि वो रिवाइव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि बंदा इस साइड से आएगा लेकिन बंदा आता लेफ्ट की साइड से और वो किल मेरे टीममेट के खाते में चला जाता है। तो यहाँ पर इस वाली टीम को किल करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बंदे ढूंढने के लिए और बंदे हम लोगों को मिलते हैं सामने वाले स्क्वाड हाउस में। तो वहाँ पे देखो वो लूट लाट के बैठे हैं, अच्छा सा AWM MK OG सब कुछ लेके बैठे हैं। तो भाई मैंने अपने टीममेट से कहा यहाँ पर गाड़ी रोक, मेरे पास बोल्ट एक्शन है, एक ही पटाक देना, पेलूंगा तो भाई वो नॉक हो जाएगा, फिर रस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उसके पास था लेवल 3 और इसका फ़ायदा मेरे टीममेट ने उठाया क्योंकि मैंने उसको हेडशॉट दिया और भाई उसने M4 से एक दो बुलेट कनेक्ट किया और वो हो जाता है नॉक। तो भाई वो बंदा तो घुस चुका है M249 लेके डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर अब तो मेरे को एक भी किल्स नहीं मिलने वाले क्योंकि वो आगे है और मैं पीछे तो दिक्कत तो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो राइट से गया वो, मैं लेफ्ट से जाता हूँ और बंदा भाई दोनों किल ले जाता है एक साथ। तो इस टीम को किल करने के बाद हम लोगों ने कहा चलो लूटते हैं थोड़ा बहुत, और लूट रहे थे हम लोग और तभी मेरा टीममेट का कॉल आता है कि पहाड़ की तरफ से आ रहा है एक गाड़ी। तो भाई मैंने कहा किस साइड, उसने मार्क लगाया, फायर किया हमने। तो यहाँ पे देखना क्या ही मैंने गंदा आगा क्योंकि सामने मेरे गाड़ी था, मैं उसको गिरा सकता था दोनों बंदों को, लेकिन मेरा गन चला गया रिलोड पर और बंदों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था जिससे कि वो बंदे बच के निकल गए। तो हम लोगों ने कहा ये सामने वाले हाउसेस में रुके होंगे बंदे, तो हम लोगों ने यहाँ से उठाया तुरंत गाड़ी और मैंने कहा यहाँ पे होंगे बंदे, लेकिन वो बंदे यहाँ पर नहीं थे, बंदों ने ओपन में गाड़ी रोका और पैदल निकल रहे थे। मैंने कहा भाई तुम बच चुके थे, भगा लेते गाड़ी आराम से, कंपाउंड में रोक लेते और बंदे होते हैं सामने की साइड। और अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये कहाँ से मेरे को पड़ी मेरे को कुछ भी नहीं पता लगा। और भाई उसका एक और बंदा होता है जो कि होता है लकड़ी वाले शेख के पास लेफ्ट में। और भाई अब हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि अब आ रहा है जोन और जोन का डैमेज ज़्यादा होगा और वो बंदे हम लोगों की गाड़ी फोड़ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा अगर गाड़ी फूट गई
तो भाई हम लोग नहीं जा पाएंगे जोन में, वो बंदे आसानी से किल कर देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि वो बंदा पेड़ के पास आ चुका है, ठीक है। तो एक बंदा वहाँ पे, एक बंदा लेफ्ट में लकड़ी वाले शेक के पास जो कि लेफ्ट में है। तो हमको दोनों बंदों की लोकेशन पता है, एक सामने पेड़ पर है, एक है लेफ्ट में शेक के पास। और यहाँ पर स्मोक हो चुका था, मेरे टीममेट ने कर लिया था, और मेरे टीममेट लेफ्ट वाले शेक पे ग्रेनेड कर रहा था। मैंने भी एक ट्राई मारा लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो भाई मेरा टीममेट गाड़ी उठाता है और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और भाई तभी मेरा टीममेट पेड़ पे गाड़ी ठोक देता है। हमने कहा भाई अब तो गए क्योंकि उसका सीधा स्प्रे आएगा। और भाई इस बंदे को नॉक जिस तरीके से मैं करूँगा, उसको देखने के बाद सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना और लाइक भी करना अगर अच्छा लगा हो तो। ये चीज़ अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मारो और लाइक वाला बटन जल्दी दबाओ। तो हम लोग आ जाते हैं जोन में, और भाई ये बंदे होते हैं जोन के बाहर। तो भाई मेरा टीममेट दूसरे वाले बंदे को किल कर देता है जिससे कि ये टीम हो जाती है फिनिश। और ये वाला टीममेट जो किल किया हम लोगों ने, ये टीममेट पहले ही भाग सकता था, यहाँ से जोन में जा सकता था, क्योंकि जोन पहले होता है बाद में फाइट। जब आप जोन से ही मरने वाले होगे तो भाई फाइट क्या ही लोगे। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और इस शेक पर हमने कहा कि होल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था। तो यहाँ से एक गाड़ी जाता है और ये गाड़ी अचानक से गायब हो गया। मैंने कहा ये गया तो गया कहाँ, और सामने होता है हम लोगों के थोड़ा सा रेज जिससे कि उसका गाड़ी छुप गया, नहीं तो इसको मैं डैमेज देने वाला था। और तभी देखो अब क्या होता है, जैसे ही मेरे टीममेट ने मार्क किया कि भाई बग्गी, मैं बग्गी की तरफ देखने लगा और भाई मेरे पे आता है फायर। मैंने कहा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। जब तक मैं स्पॉट करता तब तक मेरा टीममेट उस बंदे को किल कर देता है। तो भाई यहाँ पर मैं बच गया क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं अंदाजा लगा कि ये फायर आ कहाँ से रहा है एक्चुअली में। और सामने से आता है M16 के शॉट्स। तो भाई इस बंदे को मैं एक शॉट दिया, मिस हुआ, और उस बंदे को पता लग गया कि मेरे पास AWM है, लेकिन फिर भी इनको झांकना है। तो भाई हमने कहा AWM के सामने आप अगर अपनी मुंह दिखाई करोगे तो आपको कोई एकदम तोहफा नहीं देगा, आपको गिफ्ट नहीं मिलने वाला, आपको सीधा गिफ्ट मिलेगा लॉबी का, जो कि हमने इसको भेज दिया। तो यहाँ पर हम लोग लूट रहे थे, तभी राइट की साइड जहाँ पे हमने गाड़ी रोका था वहाँ से एक ग्रेनेड का साउंड आया। तो हमने कहा भाई वहाँ पे बंदा होगा, लेकिन तभी मेरा टीममेट बोलता है कि वो उसने अपने आप को फोड़ लिया है नेट से। तो हमने कहा भाई चलो उसका तो टेंशन ख़त्म हो गया क्योंकि वो बंदा मर चुका है। अब देखो मैन पार्ट यहाँ से है, तो सामने जो गाड़ी आया था जो छुप गया था एकदम अचानक से गायब हो गया था, वो तो मेरे को स्पॉट हो गया था, लेकिन मेरा टीममेट मार्क लगाता है इस पेड़ पे, कहता है यहाँ पर एक US और पार्क है, तो यहाँ पर एक बंदा हो सकता है। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पर एक बंदा और हो सकता है, उसको भी नोटिस कर लिया हमने। और सामने होता है एकदम से फायर, गाड़ी जाता है, हमने गाड़ी पर फायर दिया, बंदों पर नहीं दे पाए जिससे कि वो बंदे एक भी डैमेज नहीं दे पाए हमसे। लेकिन जो उनका लास्ट बंदा बचा हुआ होता है उसको देखो कैसे किल किया। तो भाई हमने कहा कि AWM का हमने देखने के लिए ले रखा है, और उसको एक बॉडी शॉट पड़ता है, वो हो जाता है किल। और राइट की साइड से आते हैं हमको शॉट्स जो कि थे DP के, तो उसको भी हमने एक हेड दिया और वो बंदा भी किल हो जाता है। और बचा रहता है एक बंदा जिसको कि हम लोग करने वाले हैं अब फाइंड। अब ये बंदा वही बंदा है जिसको मेरे टीममेट ने मार्क लगाया था कि यहाँ पर एक डासिया स्पॉट है, सॉरी US स्पॉट है, वहाँ पे हो सकता है, और वही बंदा होता है। लेकिन मेरे दिमाग में था कि वो बंदा जो कि गाड़ी लेके आया था और वो गायब हो गया था एकदम से मेरे सामने से, वो होती है लेफ्ट में। तभी मेरे टीममेट बोलता कि राइट में गाड़ी के पास। तो भाई मैंने बग्गी घुमाया और भाई ये बंदा यहाँ पर प्रॉन है, और ये बंदे भाई ऐसे बंदे लास्ट तक कैसे सर्वाइव कर लेते हैं मेरे को नहीं है पता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, इससे भी खतरनाक गेम प्लेज आएंगे डुओ के, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्त। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जाओ जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।